क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा क्या बता रहे हैं यहां पे, कह रहे फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स एंड वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। तो कह रहे हैं यहां पे हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, और यहां से इक्विडिस्टेंस है इसका कहां तक का, 36 का, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बेटा -34 का। इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दे दूं, इस पॉइंट को बी नाम दे दूं और इस पॉइंट को सी नाम दे दूं, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि ए के जो बी तक का डिस्टेंस है और ए का जो सी तक का डिस्टेंस है वो इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस है, ये आपको बता रहा है। और कह रहे हैं फाइंड क्या करना है, फाइंड करने को कह रहे हैं रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन निकालो। देखो जब भी आपको क्वेश्चन में कहेगा ना कि वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालो, एक्स एंड वाई के बीच में निकालो, ए एंड बी के बीच में निकालो, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन कहेगा ना तो इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी होती है, एक्स और वाई के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक इक्वेशन निकालनी होती है, मतलब कि एक ऐसी इक्वेशन जहां पे एक्स और वाई दोनों लाई कर रहे हो। तो अब आपको यहां पे ये करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों आते हो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ध्यान से देखो, कह रहा है एक पॉइंट है एक्स वाई, एक पॉइंट है 36 और एक पॉइंट है -34, जिसमें एक्स वाई का जो पॉइंट 36 के साथ डिस्टेंस है और एक्स वाई का जो डिस्टेंस -34 के साथ है वो इक्विडिस्टेंस है, यानी कि इक्वल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी करा था क्वेश्चन नंबर 7 में। तो अभी आप, मैं यहां पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, ए बी और ए सी का जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब अंडर रूट आइडेंटिटी लगाएंगे, तो आइडेंटिटी के हिसाब से अंडर रूट में क्या आएगा बेटा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं एक्स टू वाई टू मान रहा हूं और इसको मैं एक्स वन वाई वन मान रहा हूं, पहले मैं ए बी का कर रहा हूं, इसको एक्स टू वाई टू, इसको एक्स वन वाई वन, तो इसका मतलब एक्स एक्स टू पहले आता है तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू में अंडर रूट फिर से एसी के साथ करेंगे अब हम, तो एसी ये रहा, तो एसी के अंदर फिर से यही, इसको मैं एक्स टू वाई टू मान रहा हूं, इसको एक्स वन वाई वन मान रहा हूं, तो पहले आ जाएगा एक्स, तो एक्स माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा, अब आप इसको सॉल्व कर दो और सॉल्व करके इक्वेशन की फॉर्म में आंसर आएगा, पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा, यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है हमें, रिलेशन निकालना है एक्स और वाई का। तो अब क्या करेंगे, देखो ये रूट से तो रूट कट जाएगा, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, अब यहां पे आइडेंटिटी लगा दो, एक्स माइनस थ्री के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू थ्री, यही लगेगी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, ऐसे ही वाई माइनस सिक्स के होल स्क्वायर के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, प्लस y स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर माइनस टू वाई इंटू सिक्स इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू में भी कुछ ऐसे ही होगा, यहां पे है x माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, तो x प्लस थ्री के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो यहां पे आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सॉरी प्लस थ्री स्क्वायर और प्लस टू इंटू एक्स इंटू थ्री, और यही चीज आपके साथ y माइनस फोर के होल स्क्वायर के साथ भी होगी, तो y माइनस फोर के होल स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में y का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई इंटू फोर, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करके क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर आएगा नाइन माइनस टू थ्री सिक्स एक्स, फिर y का स्क्वायर बेटा y स्क्वायर ही रहेगा प्लस सिक्स का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू सिक्स 12y इक्वल्स टू, एक्स का स्क्वायर वही एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर 9 प्लस 2 थ्री 6x, फिर y का स्क्वायर वही y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 8y। अब क्या करो बेटा, अब ये सारे जो लेफ्ट वाले ना उनको उठा के राइट में, सॉरी सारे राइट वाले को उठा के लेफ्ट में ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब देखो ये x square इधर के माइनस का x square, ये 9 इधर के माइनस का 9, ये 6x इधर के माइनस का 6x, ये y square इधर के माइनस का y square, ये 16 इधर के माइनस का 16 और ये माइनस 8 इधर के प्लस का 8y इक्वल टू 0। अब देख लो बेटा जो जो कट रहे, जैसे x square से x square कट गया, माइनस 9 से प्लस 9 कट गया, प्लस y square से माइनस y square कट गया, बस
और कुछ नहीं कट रहा, तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है माइनस सिक्स एक्स और माइनस सिक्स एक्स, तो माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा माइनस ट्वेल्व एक्स, फिर बच रहा है मेरे पास माइनस ट्वेल्व वाई प्लस एट वाई, तो माइनस ट्वेल्व वाई और प्लस एट वाई हो जाएगा माइनस फोर वाई, और प्लस थर्टी सिक्स माइनस सिक्सटीन, तो प्लस थर्टी सिक्स और माइनस सिक्सटीन हो जाएगा प्लस ट्वेंटी इक्वल टू में जीरो, ये आपके पास बेटा आ जाएगा। अब ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, बट इस इक्वेशन को और जितना आप ब्रेक कर सकते हो इसको ब्रेक कर लो। जैसे कि अगर आप देखो 12, 4 और 20 किस कॉमन टेबल में जाते हैं, तो 12, 4 और 20 दोनों के दोनों 4 के टेबल में, सॉरी तीनों के तीनों 4 के टेबल में जाते हैं, तो 4 ले लो कॉमन, साथ में ये माइनस है इस माइनस को भी कॉमन ले लो। अब देखो क्या बचेगा, जब माइनस कॉमन आता है ना तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाते हैं बेटा, जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 12x जो है माइनस का अब वो प्लस का हो जाएगा, और 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, तो 3x। ऐसे ये माइनस फोर वाई है तो ये माइनस फोर वाई प्लस का हो जाएगा, बट सिर्फ वाई आएगा, क्यों, क्योंकि 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, और फिर प्लस 20 जो है माइनस का हो जाएगा, और 20 4 के टेबल में 5 पे आता है इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस फोर मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के जीरो के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू जीरो डिवाइड बाय माइनस 4, फिर आएगा मेरे पास बेटा 3x प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, को किसी से भी डिवाइड करो बेटा जीरो ही आता है, और आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा।